शंकराचार्यं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमद व्याप्त देहाय श्री दक्षिणामूर्तये महामाया योगमाया कुंडलिनी रूपधारिणी आदिशक्ति पराशक्ति ब्रह्मरंध्रनिवासिनी जगतश्च कारणं देवी श्री त्रिपुर सुंदरी नमो नमः। आरंभ में मैं आपको इतना बताऊंगा, आपको क्या नहीं करने का है और क्या करने का है। कोई भ्रमणाएं हमारे अंदर है, इसमें सबसे बड़ी भ्रमणा ये आई है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए, स्वरूप की प्राप्ति के लिए हमारी इंद्रियां जो है वो बस में करनी चाहिए। बहुत बड़ी बात है ये। अब बस में करनी चाहिए या बस में है, अगर वो ज्ञान हो गया ना तो बस में करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इंद्रियों को प्रेरणा कौन देता है किसी कार्य करने की, यहां पहुंचना होगा। मुझे यानी मुझे स्वयं में कुछ देखने की इच्छा या संकल्प प्रकट हुआ, किसमें? आंखों में नहीं, मेरे अंदर, कि मुझे कुछ दृश्य देखना है। तब जाके मैंने जो आंख को धारण की है वो सजाग होगी, और वो सजाग होने के बाद उस दृश्य की ओर जाएगी जो मुझे देखना है। अगर मुझे देखना नहीं है तो आप कुछ भी नहीं करेगी। वो अपने आप जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहेगी। यदि मुझे कुछ सुनना है तब आप तो कुछ नहीं करेगी, मेरे कान सतर्क होंगे, और मेरा कान जो है सतर्क होके मुझे क्या सुनना है उसमें मुझे ले जाएंगे। अगर मुझे सुनना नहीं है तो कान कोई भी कोई कार्य की आवश्यकता नहीं है। मुझे ये स्वाद का अनुभव करना है तो
तब जाके जिभ्या के ऊपर पानी आएगा, अपने आप जिभ्या पानी नहीं छोड़ेगी। उसी प्रकार से सभी इंद्रियां मेरे आदिन पहले से है, मैंने अज्ञानवश होकर मान लिया है कि वो मेरे अधीन नहीं है। अगर मुझे इच्छा नहीं हुई तो एक भी इंद्रिय को अधिकार नहीं है कि अपने आप कोई कार्य करने चली जाए। मुझे मेरे चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है। अगर मेरे चित्त की वृत्तियों का निरोध हो रहा है तो इंद्रियों का स्वयं निरोध हो ही जाता है। मुझे करने की आवश्यकता नहीं, मुझे तो केवल मेरे चित्त की वृत्ति को निरोध करना है। इसलिए इस ब्रह्मणा को निकाल दीजिए और इसके पीछे मत दौड़िए कि मैं इंद्रियों को पहले बस में कर लूंगा। अपने स्वयं को बस में करना है। अगर स्वयं बस में हो गए, अपने में स्थिर हो गए, तो ये इंद्रियां स्थिर ही रह जाएगी। भ्रांतियां हो रही है। हम जब किसी देवस्थान पे जाए, मंदिर में जाए, किसी मूर्ति के सामने जाए, हम क्या करते हैं? आंखों को बंद करते हैं। जाते हैं क्यों? ईश्वर के दर्शन को। वहां पे हम आंख बंद कर लेते हैं। दर्शन ईश्वर के करने हैं, मूर्ति के सामने तो हम गए हैं और आंखें बंद कर ली। जब आंखें बंद कर ली है तब न वहां मंदिर है, न मूर्ति है, न फूलों की माला है, न मुगट है, कुछ भी नहीं है। किंतु मेरा स्वरूप तो है। ये मुझे ज्ञान है कि मैं यहां पर हूं। और जब मैं यहां पर हूं, सामने कुछ भी नहीं है, तो ये दृश्यमान जगत भी कब तक है? जब तक ये दो नेत्र के द्वारा इस दृश्य को मैं देख रहा हूं। जैसे ही ये दृश्य को देखना बंद किया, मेरे सिवा और कुछ न रहा। इस पकड़ को अगर हमने ले लिया, अब मैं कौन? ये प्रश्न बहुत लोग करते कि अपने को जानो, स्वयं को पहचानो। कैसे कैसे पहचानोगी? पीछे जाना होगा, आगे नहीं, पीछे जाओ। अभी के समय के अनुसार, अभी गाड़ी में बात हो रही थी, मां के उदर में मैं कैसा था? अभी टेक्नोलॉजी कारण सोनोग्राफी में दिखाई पड़ता है कि मैं एक छोटे से धागे जैसा था प्रथम मास में। यहां तक दिखाई पड़ रहा, पीछे जाओगे तो यहां तक का पता चल जाए। लेकिन धागे का जो अस्तित्व है वो कुछ और चीज से होगा, तभी तो धागा आया है। अपने आप तो धागा बना नहीं है, छोटा सा दिखता जो है वो बना तो है, लेकिन वो कैसे बना है? क्योंकि बिना कारण कार्य हो नहीं सकता, तो कुछ तो है जो इस धागे के पहले भी था। वो क्या था?
जैसे जैसे अंदर की गहराई में योगी चला जाता है, उससे पता चल जाता है कि केवल मैं पर परमात्मा का एक ही स्वरूप था और वो ही हूँ, वो ही हूँ। और ये ज्ञान जो है वो मैं एक दृष्टांत देके बताता। दृश्यमान जगत में आता, अब कैसे परिवर्तित हुआ, धागे से। किसी और ने तो मेरा हाथ नहीं जोड़ा है, किसी और ने आके तो मेरा नाक नहीं चिपकाया है, यानी दूसरा तो कोई वहां था नहीं, केवल अकेला मैं ही था। तो ये परिवर्तन जो किया है वो परिवर्तन और प्रकृति की रचना, इस शरीर की रचना भी मैंने की है। क्यों की है ये प्रश्न, क्यों की? क्योंकि मेरे स्वयं में ही मुझे कैसा दिखता हूं। जैसे मनुष्य के अंदर संकल्प जगे, मैं कैसा देखता हूं, क्या करेगा वो? शीशे के सामने जाके खड़ा रह जाएगा कि मैं कैसा दिखता हूं, दिखे, ठीक है। और वो दिखता हूं, वो देखने के कारण शीशे में लगा हुआ जो प्रतिबिंब है उससे देखने लगेगा। जैसे प्रतिबिंब की तरफ दृश्य हुआ, प्रतिबिंब दिखाई पड़ा, किंतु भ्रमणा कहां हुई? मैं शीशे के सामने खड़ा हूं वो भूल गया, और शीशे में जो प्रतिबिंब है वो मैं हूं, ये भ्रमणा हो गई, अज्ञान वहां प्राप्त हो गया। और फिर क्या होता है, मैं यहां से हाथ हिलाता हूं लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं हिला रहा हूं, मानता हूं कि शीशा में मेरा हाथ हिल रहा है। इसी भ्रांति के अंतर चलते चलते प्रकृति के दृश्यों को सच मानने लगा। अब क्या हुआ, साकार दृश्यमान को भी मैं ज्ञाता होने लगा हूं। मैं देख रहा हूं एक पेड़ है, मैंने उसको पेड़ मैंने कहा, उसने नहीं कहा कि मैं पेड़ हूं। फिर ये किसका पेड़ हूं है, मैंने कहा वो आम का पेड़ है, वो उसने नहीं कहा कि ये आम का पेड़ है। उसके पर जो फल बना, मैंने ही कहा कि ये आम है, उसने नहीं कहा कि ये आम है, यानी सब कुछ मैंने ही करता गया। अब मैंने देखा आम पक्के नीचे गिर गया, देखा, मैंने कहा आम नीचे गिर गया। अब क्यों गिर गया, ऊपर क्यों नहीं गया, ये भी प्रश्न मैंने किया। फिर क्या, फिर मैं अपने में अंदर गया, देखा कोई ताकत है, कोई शक्ति है जिसके कारण ये आम नीचे गया ऊपर नहीं गया। अब वो कौन सी शक्ति है, वो भी मैंने ही ढूंढ निकाला, जिसको बोलते गुरुत्वाकर्षण, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नाम दे दिया। उसने नहीं दिया है, जो खींच रहा है उसने नहीं कहा है कि मैं गुरुत्वाकर्षण बल हूं, वो भी मैंने ही कहा कि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से नीचे गए। जब मैंने ये कहा
कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये नीचे गया, मैंने गुरुत्वाकर्षण बल को देखा नहीं है मेरे सामने, वो दृश्यमान नहीं है, वो दिखाई नहीं पड़ता। किसको दिखाई पड़ता है? आप में से अगर किसी को गुरुत्वाकर्षण बल दिखाई पड़ता है तो मेरे को बोलो। फिर भी है जो है दिखाई नहीं पड़ रहा है, अनुभव से मुझे जिसका ज्ञान हो रहा है, वो मेरा परमात्मा की शक्ति का स्वरूप है, जिसके नियंत्रण में ये सब शक्तिमान होता है। क्योंकि वो ही शक्ति पेड़ के अंदर भी है, वही शक्ति आम में है, वही शक्ति उससे घिराती है, वही शक्ति उसको बिठाती भी है, और वो उसका ज्ञाता मैं हूं। मुझे पता है कि कोई चीज खींच रही है, ये भी मुझे पता है कि ये नीचे गिर रहा है। तो हर चीज का मुझे ज्ञान है, उसका सीधा अर्थ यह होता है कि मैं वो नहीं हूं। मैं आम के पेड़ को जानता हूं, मैं आम का पेड़ नहीं हूं। मैं आम को जानता हूं, मैं आम नहीं हूं। मैं नीचे गिरता हुआ जानता हूं, इसलिए मैं गिरता नहीं हूं। और मैं गुरुत्वाकर्षण बल को जानता हूं, तो मैं गुरुत्वाकर्षण बल भी नहीं हूं, वो भी मैं नहीं हूं। अगर दिखाई देने वाला दृश्यमान भी नहीं हूं, तो फिर मैं केवल मैं ही हूं। इसमें कुछ भी जोड़ा तो ब्रह्मणा की शुरुआत होती, तभी ब्रह्मणा की शुरुआत होती है। बहुत किसी की निंदा की बात नहीं, बहुत से दृष्टांत यहां वेद में ऐसे आते हैं कि रज्जू अंधेरे में सर्प की भ्रांति कराती है। जब ज्ञान होता है, उजाला होता है, पता चलता है कि रज्जू है, किंतु रज्जू की स्थिति का निर्माण ही न हो तो, अगर रज्जू को ही हटा दिया जाए तो, क्योंकि रज्जू का कारण तो मैंने किया ना, रज्जू को रखा तो मैंने, फिर अंधेरे में भ्रमणा हुई। अगर रज्जू को ही नहीं रखता, ध्यान से समझना, अगर मैं रज्जू के रखने का कारण नहीं बनता तो वहां रज्जू होती ही नहीं, और अगर रज्जू ही ना होती तो सर्प की भ्रांति भी नहीं होती। यानी कि पूरी प्रकृति का कारण मात्र मैं ही हूं। मैं एक शब्द करने का मतलब मेरा यहां ईश्वर तत्व है, पर ब्रह्म तत्व है। यहां मुझे कोई ये बैठे हुए दंडी स्वामी मत समझ लेना। यहां जो मैं कहना चाहता हूं, मैं ही हूं, यानी सबका कारण मैं ही हूं। और अगर कारण रज्जू को हटा लेता हूं तो मैं रह जाता हूं, प्रकृति नहीं। यानी यही मेरा मूल स्वरूप है, उसके ऊपर कुछ नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर भी कुछ नहीं है। क्योंकि अगर मेरे ऊपर कुछ है, अगर ये विचार उत्पन्न हो कि मेरे ऊपर कुछ है, तो फिर क्या है? फिर उसी में उलझना, फिर उसी में उलझना। जैसे हम सब प्रकृति के गुणों कारण उलझ रहे हैं,
अगर यह ज्ञान हो जाए कि मेरे कारण ही यह रज्जु आई और रज्जु के कारण ये सर्प हुआ, मेरे कारण ही केवल कैसा हूं यही एक कारण शीशा सामने लाया गया और अनेकों दृश्य का कारण मैं ही बन गया और कोई नहीं। जितना भी दृश्यमान दिखाई पड़ रहा है मैं ही हूं, मेरे ही अनेकों रूप मैंने किए। कैसा हूं कि चींटी हूं, मनुष्य हूं, ये हूं, वो हूं, जैसे जैसे मेरे कल्पना में बना हो गए। लेकिन अगर रज्जु की शुरुआत न की होती तो कुछ भी नहीं। और जैसे रज्जु की हटा ली गई, यहां आत्मक स्व की बात हो रही है, मैं ही रहूंगा और कुछ रहेगा नहीं। और मैं ही देखता हूं कि मनुष्य रूप है, मैं ही देखता हूं कि इसका जन्म होता है। मुझे पता है ना, मैं जानता हूं ना कि जन्म होता है मनुष्य का, और मुझे भी पता है कि मनुष्य की मृत्यु भी होती है, मान लेते हैं यह होती है। अब ये दोनों का मुझे पता है कि जन्म होता है और मृत्यु होता है, यानी जन्म और मृत्यु दोनों का मैं ज्ञाता हुआ तो मैं जन्म भी नहीं हुआ और मृत्यु भी नहीं हुआ, उनको जानने वाला हुआ। जन्म और मृत्यु को जानने वाला मैं हूं, नहीं कि मैं जन्म और ना ही मैं मृत्यु, दोनों से पर। तो फिर ये भ्रमणा मेरे में किसने रखी या कहां से आई कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, ये कहां से आ गई? जब मुझे पता है कि जन्म और मृत्यु दोनों होते हैं, उसका मतलब मैं उसका ज्ञाता हूं। अगर ज्ञाता हूं तो मैं वो नहीं, और वो मैं नहीं तो मेरा जन्म भी कहां हुआ, मृत्यु भी कहां हुई। और इस शरीर के संबंध से देखा जाए, जिसे पांच तत्व कहे हैं, तो मेरे इस शरीर से पहले ये पांचों तत्व मौजूद थे। मेरे शरीर के मतलब जिसे मृत्यु कहा है, वो होने के बाद भी ये पांचों तत्व भी वैसे के वैसे ही रहेंगे। जो थे वो वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं। तो जन्म किसका, मृत्यु किसकी और मोक्ष किसका, प्रश्न है ना। मुझे मोक्ष करना नहीं है, मुझे क्या करना है, अब समय हो रहा है, मुझे क्या करना है जिसके कारण ये मिट जाए, ये मिट जाए, उसका विश्लेषण मैं लूंगा। अब जो भी यहां आए हैं, थोड़ा एक किसकी शक्ति पर, मां की, क्योंकि मां उस स्थिति को पर पहुंची है, और वो एक ही मां की शक्ति हो चाहे किसी योगी के पास, एक ही शक्ति हर के पास है, एक ही शक्ति कार्य कर रही है। पर कहीं
वो पूर्ण रूप से प्रकट है जैसे माँ में, कहीं अपूर्ण रूप से प्रकट है। जहां अपूर्ण रूप से प्रकट है वहां पूर्ण शक्ति अपूर्णता को पूर्ण करती। मैं आपको ये खास इसलिए कह रहा हूं कि मां ने जो आपको कहा है वो मां की स्थिति पर पहुंचने के लिए कहा है। किस लिए उसने व्यवहारिक जगत में आके कहा कि आप ये करिए, क्योंकि जिस स्थिति पर मां है उसी स्थिति पे आप हो जाओ। अब होना तब भी संभव है जब मां जिस स्थिति पर पहुंचे, कैसे पहुंचे वो आपको बताया है, और उस पे चलते हुए पहुंचना आपको है, और आप वो स्थिति पर पहुंचेंगे वो मां की इच्छा से। मैं आपको वादा आज पहले दिन करता हूं, लेकिन करना आपको है। अभी हम विश्लेषण लेंगे जिसका आपको दूसरे सेशन में जब होगा। तो मोक्ष की प्राप्ति वास्तविक स्वरूप में क्या है, वो प्राप्त करना है या है, और कैसे है ये बताना होगा मुझे कि मोक्ष कैसे है। ये अगर पता चल गया तो करने की आवश्यकता रहेगी नहीं। आप पेपर लंबा हो जाएगा। समय अनुकूल नहीं है मेरे पास, है ना। वो बोलो विष्णु शास्त्र कह रहे 10 मिनट लीजिए तो कोई बात नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति, पहले प्राप्ति नहीं है, सबसे पहले मोक्ष की प्राप्ति करनी नहीं है, मोक्ष है। अब प्रश्न उठता है कि ये सब कुछ जो होता है, जन्म होता है, मरण होता है, लक्ष्य और ऐसी होती है, ये होती है, उसमें से कैसे निकला जाए, यही प्रश्न है, इसमें से मुक्त कैसे किया जाए। अब मेरे ही संकल्पों ने इसका निर्माण किया है। 84 जितनी भी कहो, और संकल्प जब उठा यानी कारण बना, जो कारण बना उससे कर्म बना, यानी मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ प्राप्त करना है तो मैं उसके लिए कर्म करूंगा। प्राप्त करने की इच्छा मेरी हुई है, जैसे मेरे को इच्छा हुई आम खाना है तो मैं आम के पास जाना तोड़ना, ये उस इच्छा का कर्म बना। मैं गया आम के पेड़ पर चढ़ा, आम को तोड़ा, ये मेरा कर्म बना, और आम को खाया वो मेरा फल बना। यहां तक समझ में आया। अब फल खाने की इच्छा जो बनी है वो कर्म के द्वारा पूरी हो गई, हो गई। अब वही बात आम को बोया है, केवल बोया क्यों, बोया क्यों, क्या खाने की इच्छा है, आम,
पेड़ को बोया, फिर पानी से मेरा कर्म चालू रहा। कर्म चालू रखने के लिए शरीर की आवश्यकता रही कि नहीं रही? क्योंकि कर्म किसके द्वारा होगा? शरीर के द्वारा। अब धीरे धीरे आम बड़ा हो, पेड़ बड़ा हो गया। हो जाने के बाद मेरा काम पूरा हो गया, कर्म पूरा हो गया, फल को प्राप्त करना है ना? खाना तो है, तब तो इतनी मेहनत की है, लेकिन वो मेरे बस में नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। इसका मतलब नहीं कर्म फल मिलेगा नहीं, आम तो मिलेगा, लेकिन आम के पेड़ पर उसके अनुरूप फूल लाना और आम को बैठाना वो प्रकृति का कार्य है, मेरा नहीं। अब प्रकृति ने फल स्वरूप मेरे कर्म का फल मेरे सामने रख दिया है, खा लिया, हो गया। अब इसके बीच यानी बोने के बाद और फल लगने के पहले संजोग से मेरा ये शरीर छूट गए, अब क्या होगा? मेरे फल कौन खाएगा? संकल्प मेरा, प्रकृति का सिद्धांत है यथा कर्म तथा फलम, बिना फल आप छूट नहीं सकते, अब क्या करें? और संजोग ने मनुष्य के देह के बदले मेरे किसी संकल्प के कारण मेरा शरीर जो है वो तोते के शरीर में परिवर्तन हो गया है। किसके? तोते के। फल का आस्वादन, फल देना वो प्रकृति के संजोग उत्पन्न करने की बात है। मैं तोते के रूप में कहीं भी होगा, चाहे किसी दूसरी जगह होगा, लेकिन जिस वक्त ये फल मेरा तैयार होगा, प्रकृति ही अपनी प्रेरणा शक्ति से उड़ा के मुझे उस आम के पेड़ पर ले आएगी और चौच मरवा देगी। अब आप कहो मोक्ष चाहिए, है ना? तो मुझे मेरे पूर्व के किए हुए कर्मों के फल को तो भुगतना ही है, चाहे इस शरीर में हो चाहे अन्य शरीर में। और फल भोगने का कारण है शरीर। बहुत स्पष्ट समझ लीजिए कि कर्म के फल को भुगतने के लिए ही शरीर है, चाहे किसी योनि का हो, क्योंकि भोगता अपन बिना शरीर से नहीं हो सकता। तो जो हो गए हैं उसके लिए तो मुझे शरीर लेने पड़ेंगे, नवीन निर्माण होते रहेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, क्योंकि स्वभाव है मेरा, ये करना वो प्राप्त करना वो स्वभाव है। अब उसमें से मैं रोक तो लगा सकता हूं ना, जो विचार उत्पन्न हुए वो सबको कर्म नहीं करूं, ये तो संभव है, ये तो हमसे संभव है कि जितने भी संकल्प उठे सबको कर्म में परिवर्तन न करूं, काम करता जाऊं। अगर काम करता गया
जितनी वृत्तियां हैं उसमें से योग्य को रखता गया, अयोग्य को न करता गया। जो नहीं किया उसका परिणाम नहीं होगा, है उसका परिणाम होगा। एक समय जब ऐसा बनेगा, जब सारे संकल्प उठने के कम होते होते बिल्कुल बंद हो जाएंगे और पूर्व के संचित और वर्तमान के कर्मों के फल स्वरूप जो शरीर भोगने के लिए करने हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। जब कर्म बंद हो जाएगा, संकल्प निर्विकल्प हो जाएगा, तब मैं रहूंगा, शरीर की मुझे आवश्यकता नहीं होगी, वो है मेरा स्वरूप मोक्ष, उसे प्राप्त नहीं करना है केवल रोकना है वृत्तियों में उठने वाले संकल्पों को और उसके द्वारा कारण बनते हुए करते हुए कर्मों को। अगर कर्म पे रोक लगाए, बिना कर्म की बात नहीं कर रहा, योग्यता और अयोग्यता, क्योंकि जब मेरे विचार आता है कि मुझे करना है, परिणाम मेरे सामने होता है, परिणाम मेरे सामने होता है। एक विचार है कर्म का कि मां के आश्रम में जाना है। क्यों जाना है? मुझे पता है कि वहां कुछ ऐसा मुझे लाभ मिलेगा जो मेरे लिए कल्याणकारी। आपने कर्म किया, इसका परिणाम है, कल्याणकारी परिणाम है, तो यह कर्म करना चाहिए। लेकिन यह विचार आया, मुझे चोरी करना है, परिणाम मेरे सामने है, जेल जाना है ना सामने। अगर वह विचार को मैंने अमल कर लिया, चोरी कर ली, तो जेल फलस्वरूप बन गई। लेकिन वह चोरी करने का विचार के सामने मुझे जेल नहीं जाना है, तो मुझे इस विचार का त्याग करना पड़ेगा, इस संकल्प का, इस वृत्ति का त्याग करना पड़ेगा। इस तरह से कल्याणकारी संकल्पों को रखते और कल्याणकारी संकल्पों को त्याग दिया, केवल कल्याणकारी संकल्पों का परिणाम आखिर में निर्विकल्प स्थिति पे ले जाए और फिर मूल स्वरूप जो है वो रह जाए, वो मोक्ष, उसे प्राप्त नहीं करना है, केवल संकल्पों को विचार के त्यागना है और अपनाना है। बस यही विराम लेते हैं। अस्तु मार्पण। जय मां। न्याय कौन हो, इसी बात को ऊपर स्वामी जी ने एक अति उत्तम प्रवचन किया है। श्री श्री महानंदमय आश्रम की तरफ से मैं स्वामी जी से आभार प्रकट करता हूँ। जय मां। अभी विष्णु सहस्त्र नाम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं।